नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और जनसागर न्यूज़ देख रहे हैं। बड़ी खबर रोहतास जिले के डेहरी से आ रही है, जहां डेहरी के पूर्व डीएसपी संजय कुमार के कई ठिकानों पर छापा पड़ा है। यह छापा बिहार सरकार के आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा पड़ा है। बता दें कि रोहतास जिला में ऐसा दूसरी बार हुआ है, मतलब विगत कुछ दिनों में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब जिले के किसी उच्च अधिकारी के ठिकानों पर इस तरह से विजिलेंस का छापा पड़ा है। चूँकि कहा जाता है कि उनके ऊपर आरोप है कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति है। आखिर ये संपत्ति कहाँ से आता है? डेहरी एसडीपीओ संजय कुमार पर बालू माफियाओं के साथ साठगांठ का भी आरोप है। उनके घर पर आज जो आर्थिक अपराध इकाई का छापा पड़ा है, जांच में ये पाया गया है कि उनके पास 50 से अधिक संपत्ति है। मतलब 50 से अधिक ठिकाने हैं उनके बिहार में, या आप कहिए कि 50 से अधिक ऐसे चल और अचल संपत्ति हैं जिनका कोई स्रोत नहीं पता चल पाया है। यह छापेमारी उनके एक साथ बक्सर और पटना के कई ठिकानों पर पड़ी है, जहां से बहुत सारे रकम और बहुत सारा कैश बरामद होने की सूचना मिल रही है। खैर, अभी भी आधिकारिक जानकारी मिल नहीं पाई है। आपको बता दें कि संजय कुमार बक्सर जिला के चौगाई के बसंतपुर के रहने वाले हैं। इनके पिताजी कोल इंडिया हजारीबाग में नौकरी करते थे और संजय कुमार की शिक्षा दीक्षा भी हजारीबाग से ही हुई है। बीते 2 महीनों से बिहार सरकार लगातार अपने घुसखोर और लुटेरे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज संजय कुमार भी लपेटे में आ गए हैं।